नवादा में रुपये से भरा बैग ले भागा बदमाश, तफ्तीश में जुटी पुलिस। नवादा में बेखौफ बदमाश एक युवक से 70,000 रुपये और एंड्रॉयड मोबाइल लूट कर फरार हो गया। ये लूट की घटना नवादा जिले के नगर थाना इलाके के अस्पताल रोड में घटी है। इस घटना से हताश पीड़ित युवक ने घटना की शिकायत नगर थाना पुलिस से की है। पीड़ित युवक मोहम्मद अरमान वारसलीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम मिल्की का रहने वाला बताया जाता है। पीड़ित अरमान ने बताया कि कोलकाता से सोनू मोनू नामक बस से नवादा आया। घर जाने के दौरान अस्पताल रोड में बदमाशों ने बैग और एंड्रॉयड फोन छीन कर चंपत हो गया। पीड़ित ने बताया कि बहन की शादी के लिए 70,000 रुपये जमा किया था, जिसे वह अपने बैग में रखकर बहन की शादी में शामिल होने आ रहा था। लूट की इस घटना के बाद नगर थाना की पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। शनि भगत की रिपोर्ट, नवादा। और मेरा सीट पे एक आदमी और बैठा हुआ था, दोनों संभावना व चौक के पास उतरे और इधर सदर हॉस्पिटल के पास आने के बाद दोनों बैग मेरे छीन लिए। कहाँ पर? सदर हॉस्पिटल के पास। कहाँ से आ रहा था? कहाँ से? कोलकाता से। 70,000 रुपया था और तुम्हारे साथ में था वो? हाँ, साथ में ही था। और 10 मिनट वो मेरा सीट पर बैठा हुआ था, फिर पिछले सीट पर वो चला गया और सदर अस्पताल के पास बैग छीन लिया। हाँ, बैग में क्या था? बैग में 70,000 पैसा था और एक एंड्रॉयड मोबाइल था। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम अरमान, मोहम्मद अरमान। घर कहाँ है? मिल्की।